इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम स्लाइड्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस टुवर्ड्स अ फिक्स्ड वॉल। तो एक ब्लॉक आपको दिख रहा है, कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है जो वेलोसिटी वी नॉट से आ रहा था एक वॉल की तरफ। द ब्लॉक स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, और स्मॉल एम इज मच लेस लेस देन कैपिटल एम। इट बाउंसेज इलास्टिकली ऑफ द ब्लॉक एंड स्लाइड्स टू द वॉल, वेर इट बाउंसेज इलास्टिकली एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स। तो हमको बताना है कि ये ब्लॉक वॉल से मिनिमम कितना डिस्टेंस तक पहुंच सकता है। सो इसको अप्रोच करने के लिए देखो, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट अस से ब्लॉक का वेलोसिटी कैपिटल वी है और इस पार्टिकल का वेलोसिटी स्मॉल वी है, और जो डिस्टेंस है यहाँ पे वॉल से अभी इस इंस्टेंट पे वो स्मॉल एल के इक्वल है। तो ये एक इंस्टेंट मैंने अज्यूम किया। तो इस इंस्टेंट के बाद क्या हो रहा है कि ब्लॉक आगे जा रहा था वी वेलोसिटी से और ये पार्टिकल आगे जा रहा है स्मॉल वी वेलोसिटी से। तो पार्टिकल आगे जाएगा, फिर वॉल से कोलाइड करके वापस आएगा। तो जो नेक्स्ट कोलिजन होगा उसका ये सिचुएशन आपको इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन ब्लॉक का वेलोसिटी कैपिटल वी है और पार्टिकल लेफ्ट की तरफ वी वेलोसिटी से आ रहा है ना। वॉल पे जो कोलिजन है वो आपको बोल दिया इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर हो रहा है, तो पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होगा, वो वी के इक्वल ही रहेगा जब वो वॉल से कोलाइड करके वापस आएगा। सो ये सिचुएशन रिप्रेजेंट हो रहा है जस्ट बिफोर दिस कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन मैं यहाँ पर अगर एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लेते हैं ब्लॉक का वेलोसिटी वी वन हो गया और पार्टिकल का वेलोसिटी स्मॉल वी वन हो गया, और इस इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस है इस पार्टिकल का और ब्लॉक का वॉल से वो स्मॉल एल वन, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए इक्वेशंस क्या बना सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सिचुएशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मान लेते हैं इसको मैं कुछ सिचुएशन वन बोल देता हूँ, लेट अस कॉल दिस एज सिचुएशन वन, और ये हो गया सिचुएशन टू। तो वन से टू का टाइम इंटरवल में, ठीक है, इन दिस टाइम इंटरवल ब्लॉक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ब्लॉक दैट इज एल माइनस ऑफ एल वन डिवाइडेड बाई कैपिटल वी। ब्लॉक तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से आगे जा रहा है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द टाइम इंटरवल जब जितना डिस्टेंस ये पार्टिकल मूव किया डिवाइडेड बाई द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, पहले पार्टिकल एल डिस्टेंस आगे गया, फिर वापस से एल वन डिस्टेंस वापस बैक आया, ठीक है, और थ्रू आउट दिस मोशन उसका स्पीड हमेशा वी के इक्वल रहा। तो मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल को लिख सकता हूँ एल प्लस एल वन डिवाइडेड बाई द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल वी, ठीक है। सो ये एक एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास। यहाँ से आप बोल सकते हो कि कैपिटल एल टाइम्स ऑफ सॉरी स्मॉल एल टाइम्स ऑफ वन बाई कैपिटल वी माइनस वन बाई स्मॉल वी दिस इज इक्वल टू एल वन टाइम्स ऑफ वन बाई कैपिटल वी प्लस वन बाई स्मॉल वी। सो स्मॉल एल इक्वल टू एल वन टाइम्स ऑफ, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरे पास कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी डिवाइडेड बाई स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी। थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख सकते हो कि सिचुएशन टू रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट बिफोर कोलिजन का केस, और सिचुएशन थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट आफ्टर कोलिजन का केस, और इलास्टिक कोलिजन है। तो मैं ई का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई इक्वल टू वन, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो हो जाएगा वी वन माइनस कैपिटल वी वन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज वी प्लस स्मॉल वी। सो स्मॉल वी वन माइनस कैपिटल वी वन दिस इज स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी। सो इस इक्वेशन टू से मैं इक्वेशन वन को थोड़ा सा रीअरेंज अगेन करने का कोशिश करता हूँ। मैं ये यू प्लस वी प्लस कैपिटल वी वाला टर्म को यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। सो स्मॉल एल विल बी इक्वल टू एल वन टाइम्स ऑफ दिस इज वी वन माइनस कैपिटल वी वन डिवाइडेड बाई स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी, इन अदर टर्म्स स्मॉल वी इंटू स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी दिस इज इक्वल टू एल वन टाइम्स ऑफ वी वन माइनस कैपिटल वी वन। तो आप ये एक्सप्रेशन आपको ये बता रहा है कि जो स्मॉल एल है वो क्या है हमारे पास, वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द ब्लॉक एंड द पार्टिकल फ्रॉम द वॉल है एट एनी इंस्टेंट जस्ट बिफोर कोलिजन का केस है ये। और यहाँ पर स्मॉल वी और कैपिटल वी मैंने क्या लिख रखा है, स्मॉल वी और कैपिटल वी वेलोसिटीज है ब्लॉक का और पार्टिकल का जस्ट आफ्टर द कोलिजन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि जब ये मिनिमम आप डिस्टेंस पर पहुँचेगा, ये ब्लॉक मिनिमम डिस्टेंस पर जब पहुँचेगा इस वॉल से, ठीक है, जब ये मिनिमम डिस्टेंस पर होगा वॉल से
तो अगर ये डिस्टेंस मेरे पास एल मिनिमम है ये, तब उस टाइम पर इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सपोज़ मिनिमम डिस्टेंस इज़ एल मिनिमम, उस टाइम पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है लेट अस से दैट इज़ वी, ब्लॉक का वेलोसिटी ज़ीरो हो चुका होगा, इक्वल टू ये वाला कंडीशन में इनिशियल कंडीशन यूज़ कर लेता हूँ। इनिशियली ये सेपरेशन कैपिटल एल था, पार्टिकल का वेलोसिटी ज़ीरो था और ब्लॉक का वेलोसिटी वी नॉट था। तो मैं जस्ट मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, दिस विल बी वी नॉट। सो यहाँ से हमको एल मिनिमम का वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज़ एल टाइम्स ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई वी। सो ये वी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्लॉक हैज़ स्टॉप्ड। तो आप देखो कि इलास्टिक कोलिजन्स के साथ आप डील कर रहे हो, तो कोई भी एनर्जी का लॉस यहाँ पर होगा नहीं। तो इनिशियली इस ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी था हाफ कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर, जब ये ब्लॉक इंस्टेंटेनियसली रुक गया होगा उस टाइम पर ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास रहना चाहिए। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो स्मॉल वी का वैल्यू होना चाहिए वी नॉट अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। तो इस वी का वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमको एल मिनिमम का वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज एल टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। सो दिस मस्ट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।